जय भीम। गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। साथियों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कुमारी बहन मायावती जी लोकसभा के इलेक्शन के बाद फिर से एक्शन में आ गए हैं और उनका जो एक्स ट्विटर हैंडल जो है, ये ट्विटर हैंडल से उसने कमेंट किया है कि जो बहुजनों पर जो घटनाएं घट रही है उस पर उसने ऐतराज जताया है ट्वीट करके। और कुमारी बहन मायावती जी ने कहा कि जो खास करके जो उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराबाद में जो एक सत्संग में जो घटना घटी और इसमें काफी सारे लोग मारे गए, उनके प्रति कुमारी बहन मायावती जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जो लोग मारे गए हैं उन लोगों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक परिवार में एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, ये बात कही है। अगर ये इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का राज्य एकम जो है, जिसके उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष जो है माननीय विश्वनाथ पाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल वहां गए और वहां जाके उन लोगों को सांत्वना देकर कहा कि हम आपके साथ हैं और ये जो घटना घटित हुई है उनके परिवारजनों को ये सांत्वना दिया है और दोबारा ऐसी घटना ना घटे इसके लिए सरकार के साथ वो कर रहे। और वो बताया कि जो इसमें इस घटना में जो अपायत लोग हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये कुमारी बहन मायावती जी ने और ये उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं और उपचुनाव में अगर बीएसपी को अपना दम दिखाना है तो हमारे बहुजन समाज के पास उनको जाना पड़ेगा और उसको जाकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन में कुमारी बहन मायावती जी को बहुत नुकसान, भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए कुमारी बहन मायावती जी भी ये सोच रही है कि कैसे फिर दोबारा समाज में वापस अपना जो पुराना पहचान थी उस पहचान को बताया जाए। तो इसके लिए कुमारी बहन मायावती जी फिर सक्रिय होकर, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से बीएसपी आक्रामक रूप लेकर बहुजनों के हितों की बात करके ये अपनी बात रखेंगी और उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कुमारी बहन मायावती जी रख रही है। इसके लिए ही, इसके कारण ये आज से ये उनके प्रजा में जाने का, बहुजनों के पास जाने का, ये काम करने का उसने शुरू कर दिया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होने वाले हैं, ज़्यादातर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारा बीएसपी का एक समझो के गढ़ माना जाता है बहुजनों का, और कुमारी बहन मायावती जी बहुत सालों तक वहाँ प्रशासन में उसने काम किया है, वो मुख्यमंत्री रही है, तो फिर दोबारा अपनी पुरानी जो पहचान है वो पहचान को फिर अपने दम पर आगे बढ़ाने के लिए ये काम करेगी, ऐसे यार आशा और विश्वास के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।